16.3.3 टेफ्लॉन। क्या आपने ऐसे बर्तनों के बारे में सुना है जिसमें खाना पकाने पर खाना चिपकता नहीं है? आखिर इन बर्तनों पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती होगी? वास्तव में यह पदार्थ एक बहुलक टेफ्लॉन होता है, जिसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण बनाने में भी किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग ऐसे पाइप या नली बनाने में किया जाता है जो संक्षारक पदार्थों सांद्र अम्ल, सांद्र क्षार, अम्लराज के संपर्क में आते हैं। आजकल टेफ्लॉन का उपयोग पैकिंग वाले दिए गए चित्र के अनुसार गैस्केट बनाने में भी किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना होता है, जिसे उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है। N, C सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F टेट्राफ्लोरोएथिलीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एफ सिंगल बॉन्ड एफ सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एफ सिंगल बॉन्ड एफ सिंगल बॉन्ड होल एन टेफ्लॉन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 330 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर टेफ्लॉन नहीं पिघलता है और किसी भी रसायन के प्रति यह निष्क्रिय होता है। अतः टेफ्लॉन की परत चढ़े बर्तनों में खाना पकाते समय धीमी आंच का उपयोग किया जाना चाहिए। 16.3.4 पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपने कभी सोचा है कि रेनकोट, बरसाती, टेबल कवर, साइकिल या मोटरसाइकिल में लगने वाला मडगार्ड, खिलौने, हाथ के दस्ताने और केबल तार या विद्युतीय सामान की कोटिंग में लगने वाले पदार्थों में क्या समानता है? यदि इन सभी पदार्थों को देखें तो पता चलता है कि ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के बने होते हैं। PVC बनाने के लिए विनाइल क्लोराइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह भी ऊष्मा और रसायन के प्रति निष्क्रिय होता है। N, C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H विनाइल क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड होल एन पॉलीविनाइल क्लोराइड। 16.3.5 पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव। दैनिक जीवन में पहले हम पेड़ों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का ज़्यादा उपयोग करते थे, फिर चाहे वह फर्नीचर हो, कागज की थैलियाँ हों या जूट आदि के वस्त्र हों। इन पदार्थों का आसानी से विघटन भी हो जाता था, किंतु पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता था। मनुष्य ने पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद पॉलीथीन का यह सोचकर उपयोग करना शुरू किया कि इससे कम से कम पेड़ तो नहीं कटेंगे। हम जानते हैं कि पॉलीथीन पर अधिकतर रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस कारण पॉलीथीन का विघटन नहीं हो पाता है, जिससे यह तेजी से पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। पॉलीथीन विघटित न होने के कारण न केवल मानव जीवन बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। यदि इसे जलाकर नष्ट किया जाए तो CO2 और CO जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि पॉलीथीन के लगातार उपयोग से पानी, हवा, मिट्टी जैसे प्राकृतिक कारक प्रदूषित हो रहे हैं। पॉलीथीन खाकर जानवर बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो रही है, क्योंकि उनमें इसे पचाने की क्षमता नहीं होती। इस तरह से अजैविक कारकों के साथ साथ जैविक कारकों पर भी पॉलीथीन का दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि पॉलीथीन के उपयोग को न्यून या समाप्त करें। इस दिशा में कई सार्थक कदम भी उठाए गए हैं।
शोध से यह भी पता चला है कि कुछ सूक्ष्म जीव पॉलीथीन के विघटक होते हैं, पर अभी इस संबंध में और शोध किए जाने आवश्यक हैं। पॉलीथीन को पिघलाकर सड़क बनाने के कार्य भी प्रस्तावित हैं। पॉलीथीन के पुनः चक्रण रिसाइकलिंग को लेकर भी काम हो रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स या रैपर्स जैसे प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। ये वेस्ट लैंडफिल साइट्स या ओशन में ट्रांसफर होता है, जहाँ पे इसके डिग्रेडेशन में कई सौ से लगा के हजारों सालों का लंबा समय लगता है। आपने ये जरूर सोचा होगा कि हम प्लास्टिक्स को रिसाइकिल क्यों नहीं कर लेते। आइए ब्रीफ में से एक बार देखते हैं। प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करने के लिए पहले तो डिफरेंट प्लास्टिक्स को मैनुअली अलग किया जाता है। ये प्रोसेस काफी लेंथी और मेहनत वाला होता है। कई तरह के मटेरियल्स में मिक्स पॉलीमर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें रिसाइकिल करने के बजाय डंप कर दिया जाता है। प्लास्टिक को अगर किसी तरह रिसाइकिल कर भी लिया जाए तो रिजल्टिंग प्लास्टिक की क्वालिटी में कमी आ जाती है। सच तो यह है कि प्लास्टिक्स का रिसाइकलिंग रेट दूसरे रिसाइकलिंग रेट से बहुत कम होता है, लेकिन इन दिनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज के प्लास्टिक रिसाइकलिंग रेट्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। दुनिया भर में प्लास्टिक पॉलीमर्स को प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया गया है, जिनका इस्तेमाल रिसाइकलिंग में किया जाता है। इन कोड्स को आप किसी भी रैपर या प्लास्टिक मटेरियल्स पे आसानी से देख सकते हैं। अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करती हैं। जनरली नंबर वन और नंबर टू के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना मुश्किल होता है। इन हायर नंबर की प्लास्टिक्स को रिजिड प्लास्टिक कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक्स को डिस्पोज करना एक मुश्किल काम है। प्लास्टिक्स के यूज को घटाने, रिसाइकिल करने या रीयूज करने के अलावा क्या आपके पास इन्हें डिस्पोज करने का कोई आइडिया है? इसका एक तरीका ये हो सकता है कि इन्हें बर्न करके मिली हुई एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जाए। पीवीसी जैसे कुछ प्लास्टिक्स में हेलोजिनेटेड पॉलीमर्स होते हैं। जब इन पॉलीमर्स को बर्न किया जाता है तो इनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज होती हैं। ये फ्यूम्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इसके अलावा पॉलीमर्स को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होती हैं, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। लगभग 10% ऑयल्स का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल्स के रूप में किया जाता है, और इसके बाद अगर हम पॉलीमर्स का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करते हैं तो यूज किए जाने वाले ऑयल अमाउंट लगभग डबल हो जाएगी। आपने बायोप्लास्टिक्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये प्लास्टिक्स का सबसे अच्छा अल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लगता है ये कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बायोप्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, यानी ये कॉम्पोस्टेबल है। इसे बैक्टीरियल प्रोसेस के जरिए डिस्पोज किया जाता है। हालांकि ये तो इसके फायदे हैं, लेकिन फिर भी बायोप्लास्टिक्स के साथ में कई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना जरूरी है। बायोप्लास्टिक्स जनरली स्टार्च, मेज, सेल्यूलोज और पॉलीलैक्टिक एसिड जैसे रिन्यूएबल रॉ मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। ये सभी मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे ये बड़ा ही आसान सा सवाल है कि लैंड का इस्तेमाल हम बायोप्लास्टिक्स का रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए करें या अनाज उगाने के लिए। हालांकि पहले हमने कहा था कि बायोप्लास्टिक्स कंपोस्टेबल होते हैं, लेकिन वास्तव में ये किसी प्लांट मटेरियल के जैसे पूरी तरह कंपोस्टेबल नहीं होते। अगर आप किसी बायोप्लास्टिक फोक को अपने कंपोस्ट में फेंक दें और ये मानकर चलें कि कुछ महीनों में ये डर्ट में तब्दील हो जाएगा, तो आपको निराश होना पड़ेगा। वास्तव में बायोप्लास्टिक्स को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए हमें हाई इंटेंसिटी के साथ साथ हाई हीट की जरूरत होती है। आइए एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं। प्लास्टिक्स को डिस्पोज करने के लैंडफिल, रिसाइकलिंग या इंसिनरेशन जैसे मेथड्स की कई समस्याएं हैं। हालांकि बायोप्लास्टिक्स नॉर्मल प्लास्टिक्स की अपेक्षा थोड़ा अच्छा रहते हैं, लेकिन लैंड यूज, क्वालिटी और कंपोस्टिंग प्रोसेस के चलते इसे प्लास्टिक्स का बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं कहा जा सकता। प्लास्टिक्स के इस्तेमाल को घटाना और सभी प्लास्टिक्स को एक साथ डिस्पोज करना ही एकमात्र बेस्ट अल्टरनेटिव है।